जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में एक और महत्वपूर्ण भर्ती की, जिसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा, महिला सुपरवाइजर के बारे में, मतलब कि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती। लोग सोच रहे थे हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन उससे पहले एक और 440 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। मैं बात करूँ दोस्तों की इसमें केवल और केवल महिला उम्मीदवार ही डाल पाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग को डाउट रहता है क्या पुरुष भी डाल सकते हैं क्या, इसमें बिल्कुल नहीं डाल सकते। पूरी डिटेल से इस वीडियो में आपको महिला परीक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ, और उसके बाद इसका सिलेबस देखेंगे, कितने पोस्ट आई हुई है, कब से आवेदन स्टार्ट हो चुका है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपको सीजी व्यापम की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसकी वेबसाइट में आप लोग को आवेदन भी करना है। यहाँ पर दो प्रकार की भर्ती आई है, समझेंगे। खुली भर्ती आई है, मतलब इसको सभी लोग दे सकते हैं, जिसके लिए कुल मिलाकर के 220 पद हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं खुली भर्ती में 220 पद हैं। 92 है अनारक्षित के लिए, 71 अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के 71 है, जाति के लिए 26 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 है, और 220 कुल मिलाकर के यहाँ पे पद रखे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो परिसीमित भर्ती भी आई हुई है, ठीक है, तो इसमें कितना 220 पोस्ट इसमें भी है, तो कुल मिलाकर 440 पोस्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं, चालू हो गए हैं आवेदन, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ये लेटेस्ट है कि यहाँ पर जो भी चीजें भर्ती आई हुई हैं, इसके लिए अभी से आवेदन करना स्टार्ट हो गया, देख पाएंगे आप लोग। 5/7/2023, ठीक है, 5/7/2023 बुधवार से आवेदन करना स्टार्ट हो गया है, और 30/7 तक आप लोग को आवेदन करना है, ठीक है। और उसके बाद 31 से लेकर 2-3 दिन का जो समय मिलेगा आपको, वो त्रुटि सुधार करने के लिए मिलेगा, लेकिन ध्यान से फॉर्म भरे ताकि त्रुटि सुधार करने की नौबत ही ना आए। यहाँ पर वो देख पाएंगे 8 अप्रैल 2022 के अनुसार किसी भी निवासी से कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, फ्री में आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए हम लोग बात करते हैं कि महिला परीक्षक का सिलेबस क्या है, जो महिला अभ्यर्थी है फॉर्म डालने के बाद किन चीजों को कवर करना है, ताकि आप एग्जाम में सिलेक्शन के बहुत ही नजदीक पहुंचे और आप सिलेक्शन ले सकें। चलिए दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं महिला पर्यवेक्षक की। यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि दोनों के लिए अलग अलग सिलेबस यहाँ पे लोग देखेंगे। खुली भर्ती में जो फॉर्म डालने वाले हैं उनके लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, 200 नंबर का पेपर का पूर्णांक, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, 100 प्रश्न रहेंगे और सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, 100 प्रश्न रहेंगे, 200 पूर्णांक का, 3 घंटे का समय मिलेगा। तो पहला है कि महिला एवं बाल विकास संबंधी जो योजनाएं हैं उसको पूरा पढ़ना है आपको, 40 अंक आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है, 40 अंकों का ये पेपर होने वाला है। यहाँ पे आप लोग इन योजना के बारे में देख सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपको महिला एवं बाल विकास का जो पोर्टल है वहां से मिल जाएंगी, और आपको मार्केट में बुक भी इसके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। खासकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तो वहां पर ये सब चीजें जो है आपको आसानी से मिल सकती है सारी चीजें, और ऑफिशियल और ऑथेंटिक डाटा से आप लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 80 अंक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा वेटेज है, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, मतलब मैथ्स और रीजनिंग प्लस इसमें जीएस मिला करके, ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग हम लोग देख पाएंगे, विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, नंबर सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, नंबर सीरीज की बात हो रही है, अंक श्रेणी, अक्षर, अंक चित्रों द्वारा देखना, पैटर्न का मिलाप करना, ठीक है, वर्ग, सभी चीजें यहाँ पूछी जाएंगी, तर्क करना रीजनिंग वाली है, एनोलॉजी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ संबंधित सामान्य ज्ञान जानकारियां आपको, खेलकूद पूछी जाएंगे, खासकर महिला एवं बाल विकास जो भी योजना है उनको आप लोग देख के ही जाइएगा, भारतीय संस्कृति है, ठीक है, इसमें सब पूछा जाएगा आपसे, भारतीय इतिहास, छत्तीसगढ़ संबंध जो भी घटनाक्रम, सारी चीजें पूछा जाएगा। संविधान है, यहाँ पर देख पाएंगे भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान और लोकतंत्र सा लिखा हुआ है। ये 80 और 40 यहाँ मैंने बता दी, 120 नंबर हो गए। आगे देखते हैं भारत की, यहाँ पे अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, ठीक है, जीएस का पोर्शन चल रहा है, भूगोल लिखा हुआ है, सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, ये 80 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। उसके सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, ये 30 नंबर का आपका ये सिलेबस रहने वाला है। इसमें शब्द रचना होगा, शब्द के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी, कहने का मतलब ये कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसका व्यवहारिक प्रयोग और व्यवहारिक ज्ञान आपको रखना पड़ेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। उसका जनरल इंग्लिश है 20 अंक का, ठीक है, इंग्लिश भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, 10 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। उसका सामान्य गणित अलग से दिया हुआ, सामान्य गणित 30 अंक का, मतलब 15 प्रश्न आपको यहाँ से और पूछे जाएंगे सामान्य गणित से। इसमें जो जो टॉपिक है बस उस टॉपिक को ही पढ़ लेंगे, तो यहाँ से आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं, जब परिसीमित भर्ती रहेगी, यहाँ पर भी देख पाएंगे इनके लिए अलग सिलेबस है, ठीक है, जो परिसीमित भर्ती है पूर्णांक 200 है, समय 3 घंटा का रहेगा, प्रश्नों की संख्या 100 ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे
जो महिला एवं बाल विकास जो योजना है यहाँ पर 120 अंक की आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर योजनाओं में ज्यादा वेटेज दिया गया है कि जो इसमें काम कर रहे हैं पहले से। ठीक है, ये पूरा सिलेबस वैसा ही है। सामान्य मानसिक योग्यता इसको कम कर दिया गया है, जो 80 नंबर का था यहाँ पर 30 नंबर का रखा गया है परिसीमित भर्ती वालों का। इसलिए फॉर्म डालेंगे और ध्यान से देखेंगे कौन सा सिलेबस आपको कवर करना है कैसे नंबर के हिसाब से। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था भूगोल है, सिलेबस पूरा सेम ही उसी प्रकार से है। यहाँ पर जो हिंदी है वो 20 अंक का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भाषा का ज्ञान और जनरल 10 अंक का है, मतलब पांच ही प्रश्न रहेंगे यहाँ पे। सामान्य गणित 20 अंक का हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का पूरा सिलेबस है। परिसीमित भर्ती के लिए अलग सिलेबस है और सीधी भर्ती के लिए अलग सिलेबस है। तो वेबसाइट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगी। आप उनके वेबसाइट में आप फॉर्म डालिए अच्छे से और तैयारी करना शुरू कर दीजिए हॉस्टल वार्डन के पहले। ये भी एक अच्छा मौका है और गवर्नमेंट आने वाले समय पे इलेक्शन होने वाले हैं स्टेट में, तो ये अच्छा मौका है, आप लोग इसमें जॉब ले सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।